हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मॉल बिग थिंग। आई एम डॉक्टर वाक और आज का हमारा टॉपिक है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं जानते हैं। इससे हमारी मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस, बॉडी एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट होती है। अगर हमें लगता है कि अबे मुझे सर्दी, खांसी, जुकाम होने लगेगा, या आपको फील होता है कि गले में खिचखिच है, नाक में ईचिंग है, तो आप ये प्राणायाम करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपको होने वाली तकलीफ दूर होती है और उसका प्रोग्रेशन नहीं होते हुए आपको खांसी या सर्दी की बीमारी नहीं होती। तो चलिए जानते हैं कि कैसे करते हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। कोई भी शांत जगह को चुनिए, वो शांत जगह कोई भी हो सकती है। आप आपके घर पे भी कर सकते हैं। घर में आप आपके कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। कंफर्टेबल पोजीशन यानी मैं जैसे बैठी हूँ वैसे आप बैठ सकते हैं। बैठने के बाद ध्यान में रखिए कि आपकी पीठ स्ट्रेट होनी चाहिए, वो ऐसे 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 या ऐसे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपके हाथ घुटनों पर नहीं होने चाहिए इस तरह। आपका लेफ्ट हैंड आपके दोनों लैप्स के बीच में कंफर्टेबली रखिए। उसके बाद राइट हैंड लीजिए। राइट हैंड में आपका इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर आपको फोल्ड करना है। थंब, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर स्ट्रेट रखिए। उसके बाद में आप अपना थंब आपके राइट नॉस्ट्रिल पे रखिए। ये आपका राइट नॉस्ट्रिल है और ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल है। तो हम शुरू करते हैं। आपको अपना थंब हल्के से प्रेशर देके राइट नॉस्ट्रिल पे रखना है। फिर आँख बंद कीजिए और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस लीजिए। आप अपनी सांस होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, या आपको अपनी सांस छोड़ देनी है। ध्यान में रखिए दोस्तों, सांस छोड़ते समय आपको अपना थंब बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। आपको अपनी ली हुई सांस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही छोड़नी है। इसके बाद आप अपना रिंग फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे हल्के से प्रेशर रखकर थंब फ्री करना है इस तरह, और आगे की सांस आपको अपने राइट नॉस्ट्रिल से लेनी है। आप इसमें रुक सकते हैं तो रुकिए, या जैसे हो सके वैसे सांस राइट नॉस्ट्रिल से ही छोड़ दीजिए। ऐसे ही फिर आपको अपना थंब राइट नॉस्ट्रिल पे हल्के से प्रेशर पे रखे रिंग फिंगर को रिलीज करना है और आगे की सांस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेनी है। छोड़िए। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम एक नॉस्ट्रिल से सांस लेके दूसरे नॉस्ट्रिल से छोड़ते हैं, लेकिन नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में हमको जिस नॉस्ट्रिल से हम सांस लेते हैं उस नॉस्ट्रिल से ही हमें सांस छोड़ना है। ये जरूर ध्यान में रखें।
दोस्तों, ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते करते हमारा शरीर भूल जाता है कि हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं। तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते करते कभी कभी हमारा चेहरा झुक जाता है या दूसरी तरफ मुड़ जाता है, गर्दन झुक जाती है इस तरह। तो ध्यान में रखिए कि आपकी गर्दन हमेशा स्ट्रेट रहे, बिल्कुल अपनी स्ट्रेट पीठ के साथ। किसी किसी को रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर में स्ट्रेट रखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और किसी किसी को ये फिंगर्स में क्रैम्प आने लगेंगे, स्पाज़म आने लगेंगे, तो आप बीच में रुक सकते हैं। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते करते आपकी पीठ भी स्ट्रेट नहीं रहती, तो आप बीच में ही ऐसे हो जाते, यानी आपका शरीर अपने आप ऐसे हो जाता है। तो ध्यान में रखिए, अपने पीठ को ऐसे होने में अलाउ नहीं करें, आपकी पीठ हमेशा स्ट्रेट रखें। दोस्तों, धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा कि इस नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से आपको जो एनर्जी मिलती है, जो फील आता है, जो शांति महसूस होती है, वह कितनी लाभदायक है। आपकी मेंटल एक्टिविटी कितनी इम्प्रूव होती है, ये भी आपके ध्यान में आएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड रिलेटिव्स टू, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्मॉल बिग थिंग्स फॉर रेगुलर अपडेट्स। बाय बाय।